आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। मिर्जापुर के मड़िहान विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री रहे रमाशंकर सिंह पटेल के लिए वोट मांगने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और SP बघेल पहुंचे। दोनों ही नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि अन्य दल जातीय आधार पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं भाजपा और गठबंधन सारे जातिवाद के बैरियर को तोड़कर विकास के लिए वोट मांग रहा है। गरीब, महिला, किसान सभी सीएम योगी और पीएम मोदी सरकार वाली भाजपा गठबंधन के साथ खड़े हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने मिर्जापुर जिले की 5 सीटों पर जीतने का दावा किया। जो उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में काम करने वाले रमाशंकर पटेल की है, वह बिजली मंत्री के रूप में काम किए, और हम इस विश्वास के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं, जो जनता ने इसको स्वीकार भी किया, कि समाजवादी पार्टी के समय में 4 से 5 घंटे ही बिजली आती थी, वो भी कभी रात को कभी दिन में, पता नहीं रहता था कब आएगी। आज योगी जी के नेतृत्व में 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है, और रमाशंकर पटेल भी बिजली के मंत्री के रूप में बहुत मेहनत काम किए। मैं अभी मड़िहान विधानसभा में देख रहा था, चारों ओर संख्या ही संख्या दिख रही थी। पहले 46,000 से जीते थे, इस बार उससे बड़ी मार्जिन के आधार पर यहाँ जीतने जा रहे हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इटवा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अरशद खुर्शीद और रविंद्र प्रताप के पक्ष में जनसभा की और कहा कि सपा और भाजपा दोनों दलों ने समस्याओं के लिए कुछ नहीं किया। लोगों को पलायन करके बाहर जाना पड़ता था, इसके लिए भाजपा, बसपा और सपा की सरकारें जिम्मेदार है। सरकार कुछ ही लोगों को देश की कंपनियां बेच रही है। और आपने देखा कि जब जब चुनाव आता है, धर्म जाति की बात कर कर ये लोग चुनाव जीत तो जाते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा में फिर काम नहीं होता। तो आपने कभी ये सोचा कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसा सिलसिला है कि बड़े बड़े नेता आते हैं, हमारे विधायक बनते हैं, हम चुनाव में इनका प्रोत्साहन करते हैं, इनको चुन के इनको सत्ता देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई काम की बात नहीं करता। कोई ना पाठशाला बनाता है नया, ना हमारी सड़कें ठीक करता है, ना हमारे पास बिजली लाता है, ना यहाँ पे कोई नया नया उद्योग बनाता है, ना कोई रोजगार पैदा करता है। बलरामपुर में 6वें चरण के मतदान को लेकर प्रचार प्रसार थम गया है, तो वहीं निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रत्याशी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। सीएम योगी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए बलरामपुर जनपद पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले तुलसीपुर में प्रत्याशी शैलेश सिंह शैलू और कैलाश नाथ शुक्ला के समर्थन में जनसभा की और कहा कि विकास के मुद्दे पर ही भाजपा चुनाव लड़ रही है। खबर फतेहपुर से है, जहां पर खागा तहसील के मझलक गांव में स्थापित शिवलिंग बहुत ही प्राचीन माना जाता है। वहीं बुजुर्गों का कहना है कि इस शिवलिंग की स्थापना कब हुई ये कोई नहीं जानता। गांव के लोग बताते हैं कि इस शिवलिंग की स्थापना लंकापति रावण ने की थी और हवन पूजन भी किया था। इस हवन की राख उड़कर जहां गिरी वहां पर एक दिव्य जड़ी बूटी उत्पन्न हुई जिसे रुद्रवंती कहा जाता है। सोनभद्र के अजीरेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि की धूम है और इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं NTPC के आवास परिसर में स्थित शिव मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना के साथ शिव बारात की विशेष झांकी निकाली गई। झांकी में नंदी बाबा विशेष आकर्षण का केंद्र रहे, जिसका आयोजन शिव मंदिर समिति की ओर से संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में पुरुषों के साथ महिलाओं और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी SP सिंह और PAC बल भी मौजूद रहे। ये शिवरात्रि का पर्व हम लोग हमेशा से मनाते आए हैं और इस बार हमारे भक्तों का परम स्नेह था भगवान के प्रति कि हम लोग शिव की बारात भी निकाले।
उसी उपलक्ष्य में रिहंद एनटीपीसी कॉलोनी में शिव मंदिर समिति की तरफ से पहली बार हमारे शिव भगवान का बारात निकला है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सिकंदर विधानसभा के सपा प्रत्याशी जियाउद्दीन रिजवी ने मंच पर बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने भाजपा के झंडे लगाए हैं उनको आवास नहीं दिया जाएगा और जो लोग साइकिल पर वोट देंगे उनको लोहिया आवास का 7.5 लाख रुपया मिलेगा। औरैया शहर से 5 किलोमीटर दूर बिहड़ांचल में स्थित देवकली मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर हजारों श्रद्धालु भगवान कालेश्वर का जलाभिषेक करने पहुंचे। इस दौरान जनसैलाब को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन के कड़े इंतजाम देखने को मिले। वहीं मान्यता है कि महाकालेश्वर के दरबार में मन्नतें मांगने पर श्रद्धालु भक्त जनों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये हम लोग यहाँ पे मंदिर की एक कमेटी है और हम लोग बजरंग दल विष्णु पक्ष के हैं। जो सावन के सोमवार हो या महाशिवरात्रि हो कोई पर्व हो, क्योंकि ये मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। आप देखते हैं रात्रि के 3 बजे से लंबी लंबी कतारें लगती हैं और लोग दर्शन के लिए उतावले होते हैं। उनको सेवा के लिए अगर वो दर्शन अच्छे से हो सके और सबको अच्छे दर्शन मिले, ऐसे लोग सेवा कार्य में रहते हैं। देवकली मंदिर जो है ये औरैया ज़िले की शान है, प्राचीन सदियों काल से चला आ रहा है। यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो श्रद्धा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं, जल चढ़ाते आके बहुत श्रद्धा मानते हैं। इसमें जो भी मन्नत मांगते हैं श्रद्धालु वो पूरी की जाती है। त्यौहार को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इस दिन को अथाह सबसे बड़ा माना गया है। इसलिए शिव जी को सबसे प्रिय दिन भी है। तो शिवरात्रि पर बाबा के दर्शन करना भक्तों के लिए अति फलदायक माना जाता है। देवकली मंदिर औरैया भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर जो आज औरैया की एक पहचान है। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है, हर भक्त की यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। ये सदियों पुराना मंदिर है, इतिहास से जुड़ा हुआ है। आज औरैया के आसपास के समस्त ज़िलों में ये देवकली मंदिर एक पहचान के रूप में जाना जाता है। यहाँ से कई राजाओं, जैसे नाम देवकली है तो देवकली माँ, यहाँ पर राजा जयचंद की पुत्री के नाम से ये मंदिर बना हुआ है। राजा जयतन से भी यहाँ इतिहास जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इस शिवलिंग की ये मान्यता है कि हर साल एक जौ के दाने के समान ये हमेशा बढ़ता है। इसको कोई अपने कवर में नहीं ले पाया। यहाँ जो भी भक्त आते हैं शिवरात्रि को या सावन के समय लाखों भक्तों की भीड़ होती है, यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। खबर औरैया से है जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में हुई चोरी का कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया और साथ ही दोनों आरोपियों के पास से 2 मोबाइल और 3,500 रुपए बरामद किए। बता दें कि पुलिस चोरों को गिरफ्तार करके उन पर सख्त कार्रवाई कर रही है। थाना अजीतमल में सभी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में जो थाना अजीतमल क्षेत्र में कुछ एक आध घर में अभी फिलहाल चोरी हुई पूर्व में ही, और अभी मोबाइल भी कुछ चोरी हुए थे, जिसमें आज जो है 2 चोरों को पकड़ा गया है। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक घर से मोबाइल कुछ दिन पूर्व अभी 2 मोबाइल चोरी किए थे दोनों ने, और एक घर एक गाँव चकसत्तापुर पड़ता है वहाँ पर भी चोरी की थी। इसमें इनको पकड़ा गया, इनके जेब से जो है 2 मोबाइल बरामद हुए हैं और 3,500 रुपये बरामद हुए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार मेडिकल कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। सिद्धार्थनगर में बड़े नेताओं की चुनावी जनसभाएं लगातार हो रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के कपिलवस्तु विधानसभा के बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कॉलेज में भाजपा प्रत्याशी श्याम धनी राही के समर्थन में जनसभा की और जनता से वोट की अपील की। प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाने के लिए अपील किया। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। सरकार इसलिए जो दमदारी के साथ विकास का कार्य भी कर सके, दंगाइयों को रोक सके, गरीबों के घर तक योजनाओं का लाभ भी दे सके और पेशेवर माफिया और अपराधियों को बुलडोजर से सही रास्ता भी दिखा सके।
देश और दुनिया तथागत की इस भूमि के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखता है। भाइयों बहनों मुझे बताइए, क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? क्या आती थी? सच बोलना, आज आ रही है। बिजली में कोई भेदभाव तो नहीं होता है? देखो 2017 के पहले बिजली की भी जाति थी, उसकी भी मछली थी। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के बियारा गांव में AIMIM के प्रत्याशी इरफान मलिक के समर्थन में आए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मंच से बोलते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में यदि भागीदारी मोर्चा की सरकार बनती है तो पहले 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर 2.5 साल के लिए दलित समाज का मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के गरीबों को और मजलूमों को और खास तौर से युवाओं को बेरोजगारी उनका मुखद्दर बनाकर रख दिया। आप जानते हैं कि महंगाई बीजेपी के दौर में आसमानों को छू रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है। इसका नुकसान किसको होता है? इसका नुकसान गरीब को होता है। गैस का सिलेंडर 1400 रुपये में, और उसके बाद बीजेपी कहती है कि हम गरीबों को 600 रुपए का राशन देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 600 रुपए का राशन तो देते हैं, मगर वही महिला से कहते हैं कि माताजी मोदी जी को 1400 रुपए वापस करिए और गैस का सिलेंडर खरीद लीजिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।